मीटिंग पीछे तो हमने मीटिंग कर ली, जो भी लेना है ले ले नहीं पीछे तो हमने मीटिंग कर ली है, पीछे साइड पे हो जाना दो जरा, मीटिंग का टाइम देखो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज जी बच्चों को सुलाने का टाइम था और तकरीबन 8:30 बजे इनकी कॉल आई है कि इधर पहुँच जाओ जौहर टाउन। हमने जी इन ड्राइव कराई, जौहर टाउन पहुँचे, वहाँ से जी अब हम 8:30 और अब जी 10 बजने वाले हैं। इस टाइम तक ना हम बच्चे सो गए होते हैं, तो फिर अब इनको भूख लगी हुई थी, इन्होंने खाना खाना था, कुछ समझ नहीं आई। घंटा हम वहाँ पे अपने एरिया में फिरते रहे, कुछ समझ नहीं आई इनको कि हमने क्या लेना क्या नहीं। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे इसको जो है ना बहुत ज़्यादा काफ़ी इसकी तारीफ सुनी है, तो अब हम बहरिया टाउन आए हैं। और ये है जी साजिदी सज्जी, ये देखें साजिद की सज्जी, एक मिनट में ना ये देखें, ये उनकी ऊपर जी 4th फ्लोर पे, 4th और 5th पे ओपन है और 4th पे बंद है इनकी ना क्या कहते हैं सिटिंग, तो लिफ्ट भी है इनकी, लेकिन इतनी ज्यादा ऊपर लिफ्ट में भाई मुझे तो चक्कर आते हैं, मैं नहीं गई। बच्चे कह रहे थे जाना है, जिसका भी है हमें क्या भाई, हमने तो खाना खा के टेस्ट करना है। तो अब ये है कि हमने उन्हें कहा कि हमें गाड़ी में सेल्फ वो कर दो, आगे गिर जाएगा पीछे हो, वही गिर जाओगे मोहम्मद मुर्सा, ये देखिए इस बच्चे के उल्टे काम। तो बस जी अब यहाँ पे खाते हैं और फिर हम इसका जो है ना अब रिव्यू बताएंगे कि क्या है इसमें, सही मजे की है यानी काफी फ्लेवर है इनके पास, काफी मेन्यू था इनका काफी बड़ा है, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने रखी हुई है और कुछ नहीं रखी हुई। तो जो सज्जी में है वो अचारी है और बारबेक्यू है और वो जो रेड कलर का कौन सा होता है तंदूरी है, फ्लेवर जो है, और राइस में भी इनके 3 है, एक मैक्सिको और पता नहीं मैक्सिकन अरेबियन और एक बटर जो सादा, हाँ तो और काफी समोसा शमोसा पूड़ियाँ शूड़ियाँ पानी पूड़ी काफी चीजें हैं, राज कचौरी पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमने जी सब्जी मंगवाई है, पानी पूरी मंगवाई है, दही भल्ले मंगवाई है और चटनी मंगवाई है। हाँ जी तो अब आता है क्योंकि हम तो मैं तो ऊपर नहीं जा सकती थी। हाँ जी जी मैंने दिखा दिया। तो अब यह है कि अब आएगा तो फिर टेस्ट करेंगे कैसी है कैसी नहीं। ऊपर वैसे मैंने इनका जो इंस्टाग्राम पे देखा था तो काफी साफ सुथरा जगह इन्होंने दिखाई हुई थी, उन्होंने कहा कि आप किचन का विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने पूछा ना आपका किचन साफ सुथरा है कि नहीं, उन्होंने कहा आप आके विजिट कर सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि भाई मैं इतनी ऊपर नहीं जा रही। सामने मस्जिद भी है। हाँ जी सामने ये हमारे आगे है पानीपुरी, ये देखें ये आगे है फ्राइज, ये आगे है जी दही भल्ले और ये आगे है जी हमारी सब्जी। हस्बैंड खा रहे हैं यहाँ से देखें, क्योंकि लाइट वहाँ पे नहीं जा रही है, प्रॉब्लम है क्योंकि हम गाड़ी में खा रहे हैं, ऊपर नहीं गए इस वजह से, और बच्चे जी यहाँ पे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया और खाने का रिव्यू का टाइम आ गया, गाड़ी में बैठ के खा रहे थे इसलिए ज़्यादा डिटेल दिखा नहीं सके, क्योंकि बहुत मुश्किल से सेट और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ के मच्छर उड़ रहे हैं गाड़ी में, अब हमारे शीशे ऑन ऑफ हो गए ना, ये लाइट अभी बंद करते हैं। तो क्या कहते हैं उसका नाम, खाने की रिव्यू ये है कि इनकी सब्जी भी अच्छी थी, दही भल्ले भी ठीक थे और पानी पूरी भी सही थी, लेकिन पानी पूरी का ये होता है कि हम खाना खा रहे थे तो वो पड़ी हुई थी तो वो थोड़ी सी ना सिली सिली हो गई थी, नीचे से नरम हो गई थी, तो वो जो गोलगप्पा होता है ना वो थोड़ी सी हाँ जी वो सॉफ्ट हो गए थे, तो वो भी अच्छी थी, चटनियाँ भी इनकी अच्छी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम बस ये आई है क्योंकि इनके जो जब इन्होंने हमें मतलब दिया है ना तो वो ना क्या कहते हैं उसका नाम ठंडे चावल थे, लेग पीस भी इनका जो सब्जी थी वो भी ठंडी थी और चावल भी, तो उसका वो टेस्ट नहीं आया, लेकिन फिर जब गरम मंगवाया तो उसमें इनका टेस्ट था, मतलब खाना इनका ऑल ओवर अच्छा है, बुरा नहीं है, खा सकते हैं, मज़े का है, लेकिन सिर्फ बात कहने की ये है कि अगर राइस गरम होते ना तो उसका टेस्ट और उठना था और मज़ा आना था, राइस ठंडे थे, लेकिन उन्होंने आके अपोलोजाइज़ कर लिया और फिर हमने भी कहा चले कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन गरम खाने का जो टेस्ट होता है ना उसका मज़ा ही और होता है, तो ये चावल बिल्कुल जो है ना ठंडे थे। और बाबा से आप ना खट्टे का पूछे, खट्टा कैसा था, क्योंकि हमने हाँ जी खट्टा कैसा था अंकल, खट्टा कैसा था, ठीक बस नॉर्मल सो चले जी, खट्टा इनका सो था, बस ये है कि अगर आप कहें ना तो हम 10 में से इनको 7 दे सकते हैं, 10 में से हम दे सकते हैं 8। तो बाकी ये है कि हमने पानी पूरी मंगाया था, दही भल्ले मंगवाए थे और वो पकौड़ियाँ जो थी वो,
और साथ में फ्राइज मंगवाए थे, फ्राइज इनके बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा ऑयली थी, वो हमने वापस कर दिए थे। फिर उसकी जगह उन्होंने ना पापड़ी चाट दे दी और साथ में हमारी 3 सब्जियां हो गई। तो बिल हमारा टोटल जो है ना इस वक्त बना है तकरीबन 4,350 या 4,500 आप कह लें। वो लेग पीस भी तो भाई डलवाई है ना, एक लेग पीस नहीं जी, नहीं 350 उसने आई थिंक का है, 550 का। तो फिर आप तकरीबन 5,000 ही कह लें कि 5,000 हमारा बिल बना है। काफी अरसे से जो है ना इसको हम इंस्टाग्राम पे देख रहे थे तो हमने कहा चलो जी देख के आते, खा के आते। अच्छा लाइट ऑफ हो गई है उनकी, ये बंद कर रहे हैं मेरे ख्याल से, टाइम भी 11 बजने वाले हैं। चले जी आप घर चले। हाँ मैंने खानी है, यस मेरा दिल कर रहा है ठंडा ठंडा मिल्क शेक पीने को, लेकिन इनका मिल्क शेक नहीं होता, इनकी दही होती है, बहुत हैवी होता है इनका। चलो जी वहाँ से निकले हैं और अब जो है ना इन लोगों ने आइसक्रीम खानी है, अब जो आइसक्रीम का ऑर्डर देने हैं। 3 प्लेन कौन दे देना यार, इसके अलावा बस ये पॉइंट्स कहाँ से ऐड करवाओगे? कोल्ड कॉफी 5 जी, कोल्ड कॉफी सर 5। 11:18 हो गया और सुबह इन बच्चों ने मुझे जितना तंग करना है ना, खास तो वो बच्चा नहीं करता, ये जो बच्चा ना ये मैं कहूँगी बस इसका ना ही पूछे, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, सुबह रेडी होते हुए ना बहुत ज़्यादा तंग करता है। पैसे आपने देने हैं, अब मैंने देने हैं हर चीज़ के पैसे मैं ही दूँ? अब नहीं, अब पैसे आप देंगे, सॉरी अब नहीं है मेरे पास। कितने मेरे से लेना, लेने में खाली पहले हो गई है, ये चेक करें पीछे वो भाई साहब जो है ना, ये पीछे भाई साहब वो उधर मुकर के खा रहे हैं, वो उधर मुकर के खा रहे हैं। अब घर जाते साथ ही क्या करना है हमने, नैप नैप से पहले क्या करना है, वॉशरूम। चलो जी अब सीधा घर चलते हैं, थे लेकिन ना लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर आके ना बस बच्चों को निन्नू कराई है और वो आते साथ ही ऐसे लेटे हैं, ऐसे लेटे हैं कि जिस तरह पता नहीं कितने सदियों से जाग रहे थे। तो खैर अब यह है कि पिचेस चले गए हुए हैं, सारा काम भी ख़त्म हो गया, अब जी हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो समेट रही हूँ और बस जी इसी के साथ ये व्लॉग का एंड नहीं किया था तो मैंने कहा चले व्लॉग का भी एंड कर लेते हैं और आपसे अल्लाह हाफिज़ भी कर लेते हैं। तो बस हो सकता है आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, जाएँ ज़रूर खाएं, अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है, खा सकते हैं हम लोग आराम से, मज़ा लेके खा सकते हैं। चले जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।